महिलाओं क्षेत्र गांव रतनपुर बरा में पुलिस चौकी पर शनिवार को 11 बजे साईं बाबा जन कल्याण समिति के दौरान थाना अध्यक्ष लाओ के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदाई समारोह के दौरान संस्था के अध्यक्ष यान चंद्र एवं संयोजक अरविंद कुमार ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर वह फूलमाला पहनाकर थाना अध्यक्ष का स्वागत किया। स्थानांतरित हुए थाना अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र शर्मा एवं हेड कांस्टेबल सुजान सिंह का ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सेवा समिति के संयोजक अरविंद कुमार ने कहा, इलाओ के धनहार स्थानांतरित हुए SO सुरेश चंद्र शर्मा ने कोरोना काल में गरीब SIO की मदद की एवं क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण किया। विदाई समारोह के उपरांत जन कल्याण समिति के दौरान क्षेत्र के 50 लोगों खाद्यान्न किट का वितरण किया गया, जिसमें आटा, दालें, तेल, मसाले आदि सामान था। इस मौके पर उमेश मिश्रा, मनोज कुमार, ब्रजेंद्र मिश्रा, रघुनंदन सिंह, मंगल सिंह, आलोक दुबे, उपेंद्र मिश्रा, दीपक सीताराम, राजू मिश्रा सहित दर्जनों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। साईं बाबा जन कल्याण समिति सेवा की संस्थान द्वारा ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है, ये क्या प्रोग्राम हो रहा है थोड़ा सा बताएं। गूंज संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से साईं बाबा जन कल्याण सेवा समिति रतनपुर बरा जी, ये कोरोना राहत के लिए ये राहत किट जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रही है। इसमें मुख्य भूमिका गूंज संस्थान नई दिल्ली की है, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है जी। आज ये समथिंग आप कितनी किट वितरित कर रहे हैं संस्था द्वारा? आज हम ये 30 से 35 किट जागीर ब्लॉक में वितरित करेंगे जी। और 25 से के 30 किट लगभग ये बेबर ब्लॉक भैंसरोली में वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद फिर हमें नेक्स्ट भैंसरोली में करना है, बेबर ब्लॉक में 25 से 30 किट वहाँ वितरित करेंगे जी। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार है जी। एक आधा मिनट का सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो गरीबों की सेवा करने का ये आपके मन में विचार कैसे आया? कि सेवा भाव है, मन में जगह है कि लोगों की सेवा करनी है तो किसी भी रूप में करो सेवा, चाहे स्वास्थ्य के विभाग में हो, खाद्य विभाग में हो, किसी भी तरह से सेवा करनी है लोगों की तो सेवा का जुनून है, पैतृक गुण है, तो उस भाव से सेवा कर रहे हैं सबकी। और जब तक सांस है तब तक लगातार हम करते रहेंगे सेवा। पूरा परिवार हमारा इस सेवा के क्रम में हमेशा से जुड़ा रहा है सामाजिक सेवा से, तो आज वही पारिवारिक गुण हैं, हम लोग उतना कर रहे हैं सेवा जी। धन्यवाद।